नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट ऑफ लाइफ में। आपके साथ रोहित। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीबी को लेकर और जानेंगे कि टीबी का इलाज आपको सरकारी से कराना चाहिए, यानी कि जो डॉट सेंटर होता है वहां से आपको कराना चाहिए, या प्राइवेट क्लिनिक से इसका इलाज आपको कराना चाहिए। तो डिस्कस करेंगे और कंपेयर करेंगे कि कहाँ से टीबी का इलाज आपको बेहतर मिलेगा। तो ये सब इन्फॉर्मेशन मिलेगा, इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वेल, जैसे कि आपको पता होगा, जो टीबी की दवा होती है बेसिकली चार तरह की ड्रग्स से बनती है, और उन ड्रग्स के जो नाम है वो है रिमफॉर्मसिन, आइजोनाइजिड, पायराजिनामाइड और इथंबटोन हाइड्रोक्लोराइड। तो ये चार तरह के ड्रग्स होते हैं वो टीबी की दवा में यूज होते हैं, और 70% केसेस में यही ड्रग्स से टीबी की दवा बनती है। तो चाहे आप प्राइवेट से कराए या सरकारी से कराए, भले अगर आप प्राइवेट से करा रहे, हो सकता है जो आपको टैबलेट दी गई है उसका नाम अलग हो सकता है, उसका एमजी अलग हो सकता है, उसका जो टैबलेट का साइज है वो अलग हो सकता है, लेकिन जिन ड्रग्स से ये दवा बनती है जो आपको दी जाती है वो नॉर्मल ड्रग्स होते हैं जिससे टीबी की दवा बनती है। तो अल्टीमेटली आपका टैबलेट का नाम अलग हो सकता है, उसका साइज अलग हो सकता है, लेकिन आप वही दवा खा रहे हैं जो नॉर्मल टीबी के पेशेंट को दी जाती है। तो इसमें कुछ खासा डिफरेंस नहीं हो आता है कि आप कहाँ से इलाज करा रहे हैं, चाहे सरकारी से करा रहे हैं या प्राइवेट से करा रहे हैं। देखिए, अगर आप अपना टीबी का इलाज प्राइवेट से कराना चाहते हैं तो आपके पास एक अच्छा बजट होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको एक अच्छा स्पेशलिस्ट डॉक्टर को ढूंढना पड़ेगा, और जितने भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं, तो वहाँ पे आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, उनकी कंसल्टेशन फीस देनी होगी। और उसके बाद आपके कई तरह के टेस्ट होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा टीबी में कई तरह के टेस्ट होते हैं, और कभी कभार मैं कहूँगा कि एक इसमें ड्रॉबैक भी है, और वो ये है कि कभी कभार बेमतलब के टेस्ट भी आपको लिख दिए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी इंसान को पल्मोनरी टीबी यानी कि जो लंग्स की टीबी है, उसमें बलगम की जांच और एक्सरे एकदम सफिशिएंट होते हैं जो साबित कर देते हैं आपको टीबी की बीमारी है या नहीं है। लेकिन कुछ प्राइवेट डॉक्टर क्या करते हैं, आपको बेमतलब के टेस्ट लिख देते हैं, जैसे स्किन टेस्ट हो गया और सीटी स्कैन हो गया, ये भी लंग्स टीबी में। तो ये मैं कहूँगा कि बेमतलब के टेस्ट, मैं कहूँगा पैसा कमाने के लिए आपको जो है रिकमेंड कर दिए जाते हैं अगर आप प्राइवेट से कराएंगे। तो आपका बजट बहुत अच्छा होना चाहिए। तो उसके बाद आपको जो है टेस्ट का खर्चा उठाना पड़ेगा, और सबसे लास्ट में आपको दवाइयों का खर्चा उठाना पड़ेगा। तो जैसे कि आपको पता होगा, जो टीबी की बीमारी होती है इनका इलाज जो है डिपेंड करता है कि आपको कौन सी टाइप की टीबी है। कुछ टाइप की टीबी का इलाज 6 महीने में पूरा होता है, कुछ का 1 साल में, कुछ का 2-2 साल में होता है। तो खुदा न खास्ता अगर किसी इंसान को MDR टीबी अगर हो जाती है तो 2 साल तक आपको जो है प्राइवेट से दवा खानी पड़ेगी, तो थोड़ा सा आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। तो अच्छी बात मैं कहूँगा प्राइवेट से इलाज कराने से ये होगा कि ईच एंड एवरी थिंग मॉनिटर होता है, आपका ट्रीटमेंट एकदम बढ़िया तरीके से होता है। जब आप दवाई स्टार्ट करेंगे तो आपको बताया जाता है कि दवा आपको किस तरह से खानी है, किस क्या चीज़ आपको खाना है, फूड में क्या चीज़ आपको नहीं खाना है। तो ईच एंड एवरी थिंग एकदम सिस्टमेटिक तरीके से होते हैं, यहाँ तक कि बीच बीच में टेस्ट भी होते रहते हैं, हर 2-2 महीने में टेस्ट किए जाते हैं कि जो आपको दवाइयाँ दी जा रही हैं ये बैक्टीरिया पर काम कर रही है या नहीं कर रही है। और कोर्स होने के बाद भी आपका दोबारा होता है ये जानने के लिए कि आप पूरी तरह से ठीक हुए हैं या नहीं हुए। अगर नहीं होते हैं तो कुछ केस में जो है 1-2 महीने का ट्रीटमेंट बढ़ाया जाता है। तो ये मैं कहूँगा एक अच्छा बात होती है अगर आप प्राइवेट से टीबी का इलाज करवाते हैं। अब बात करते हैं सरकारी का। तो सरकारी का फ़ायदा ये है कि अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आपके पास उतने पैसे नहीं तो आप सरकारी में जा सकते हैं। तो 1 रुपये का आपका पर्चा बनता है, उसके बाद जो टेस्ट होते हैं वो भी एकदम फ्री होता है, एक्सरे हो गया और बलगम की जाँच एकदम फ्री होती है, डॉट्स केंद्र तो वैसे ही फ्री रहता है। उसके बाद जो मेडिसिन आपको दी जाती है वो भी एकदम फ्री होती है, लेकिन इसकी बेकारी ये होती है कि आपको हर 2-2 हफ्ते में जाना होता है दवाई लेने, आपको इकट्ठा पूरी कोर्स की दवा नहीं दी जाती, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि जो डॉट्स केंद्र है, जो सरकारी में डॉट्स केंद्र है उसमें कितना स्टॉक है। कभी कभार पेशेंट ज़्यादा आ जाते हैं तो स्टॉक जो है कम हो जाता है, जिसके चलते जो है मेडिसिन मरीज को दी जाती है बहुत कम दी जाती है, लेकिन पेशेंट की संख्या अगर कम होती तो कभी कभार 1-1 महीने की भी मेडिसिन एक साथ आपको दे दी जाती, ये आपको पता चल जाएगा। लेकिन और फिर ज़्यादातर केस में ये देखा गया है कि 2-2 हफ्ते में आपको एक बार जाना पड़ता है अपनी दवाई लेने के लिए। और एक और बेकारी मुझे जितनी भी सरकारी डॉट्स केंद्र की ये लगी कि जो है इसमें कुछ भी आपको बताया नहीं जाता, मतलब जब आपकी टीबी डायग्नोस होगी आपको कभी कभार ये भी नहीं बताया जाता कि आपको किस टाइप की टीबी है, एक्टिव है या लैटेंट है, कुछ भी आपको नहीं बताया जाता। बस आपको ये बता दिया जाता कि आपको टीबी की बीमारी है, और आपको दवाई दे दी जाती है, और दवाई भी ऐसी दी जाती है जैसे कि एहसान कर रहे हैं, कोई कुछ गाइडेंस नहीं। यहाँ तक ये भी आपको नहीं बताया जाएगा कि जो है आपको टीबी की दवा कैसे खानी है, कौन से टाइम पे खानी है,
और क्या खाना आपको खाना चाहिए, क्या आपको खाना नहीं खाना चाहिए, ये कुछ भी आपको जो है सरकारी से अगर आप इलाज कराओगे तो आपको जो है ये इन्फॉर्मेशन वहाँ नहीं प्रोवाइड की जाती। इसलिए इस टाइप का चैनल मैंने बना रखा है ताकि जितने भी हेल्थ से जुड़ी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उसका मैं अपडेट आपको देता रहूँ, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपको यूज़फुल रहेगा। तो ये बेसिकली मेन डिफरेंस है कि आप अगर प्राइवेट से कराते हो तो आपको क्या फ़ायदा होगा, सरकारी से कराते हो क्या फ़ायदा होगा, दोनों के डीमेरिट या ड्रॉबैक्स भी मैं इस वीडियो में आपको बता दिए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और